तो दोस्तों आज की वीडियो यार बहुत अलग रहने वाली है। मतलब ऐसी वीडियो यार मैं बनाता नहीं हूँ जनरली, पर अब जब पर्सनली कुछ चीज़ एक्सपीरियंस होती है ना तो बनाना पड़ जाता है। मतलब यार रिसेंटली बोलूँ ना, पिछले 24 घंटे के आसपास में एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग फंसे, पर हाँ निकल के आ चुके हैं। मैं यहाँ बोलना चाहूँगा भाई, यूट्यूब ने ना बड़ा यार ये चक्रमबाजी अपना फहरा रखा। इनका AI से ऐसे काम नहीं करता, या मशीन लर्निंग जो भी है ना सही से वर्क ना करने के कारण बड़ी टेंशन फैलाता है। मतलब हुआ क्या, मैंने सोचा यार ये चीज़ आपको बतानी चाहिए। और सिंपल चीज़ बताऊँ भाई, इस चीज़ को रिजॉल्व करने में जो मेरा टाइम लग गया ना, उस कारण मैं यार वीडियो का जो आज बेसिकली हम बना चुके होते हैं उस पे नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा थोड़ा सिंपल रखते हैं, आज इस चीज़ पे बात करता हूँ। ये बहुत बड़ा यार प्रॉब्लम फैलता जा रहा है, और नए नए जितने भी भाई मैं जानता हूँ, जो जो लोग नए नए यार यूट्यूब पे आते हैं, ये चीज़ें उनके साथ होती है, उसी समय यार हट जाते हैं। ये सब बहुत बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है। हुआ क्या, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में इसमें जाऊँगा यार जो जो चीज़ें हुई है। देखो स्टार्टिंग क्या हुई है ना, अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आप सबको याद भी होगा, जहाँ वाईफाई के बारे में बताया था है ना, पासवर्ड कैसे जान सकते हो अपने ही वाईफाई का। मतलब मैंने वहाँ पर ना कोई हैकिंग वैकिंग किसी भी चीज़ों के बारे में बात नहीं हुई थी, सिंपल बताया था कैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हो। अब ये वीडियो का आइडिया मेरे पास यार इसलिए आया था क्योंकि मेरी यार जो एक वीडियो है आप सबने यार काफी पसंद करे थे, मिलियन तक पहुंचा दिया था। तो मैंने सोचा था इसी का यार PC वर्जन निकालते हैं। अब मैंने यार कुछ भी नहीं किया था, सेम वही वीडियो का बस PC वर्जन में कन्वर्टेबल था, और उस चीज को बताया था, एक्सप्लेन करा था प्रॉपरली, और उसको आपके सामने सबमिट किया था। ध्यान से मैंने यहाँ पर यार क्लियरली बताया आप सबको कि कोई भी हैकिंग वैकिंग ऐसा नहीं था। जो पासवर्ड से आपका PC कनेक्ट है वो आप जानना चाहते हो, मतलब अपना ही पासवर्ड, वही वाली चीज हो गई। तो उस वीडियो को पता नहीं भाई इनको क्या लगा, इन लोगों ने कर दिया टेक डाउन। अब हुआ क्या भाई, चैनल पे ना 3 हमारे पास रहते हैं यार कम्युनिटी गाइडलाइंस। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक तो आने से रही, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं है जहाँ पे कॉपीराइट वाला है, तो उससे तो लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। इवन हमारी यार काफी वीडियोस लोग कॉपी करते हैं, मैं बिल्कुल, पर मैं भी नहीं देता हूं, क्योंकि यार क्या ही है, थोड़ा लोग कर रहे हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में जरूरत पड़ जाती है, नई प्रॉब्लम हो रही है किसी को कुछ स्टेप में, तो हाँ थोड़ा यूज कर लिया आता है मेरे पास, पर हाँ उन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं। कॉपीराइट से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो ही नहीं सकता। गाइडलाइन बहुत इनकी यार स्ट्रिक्ट टाइप की है, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। मजाल क्या है ना भाई, वो स्ट्राइक आप फेक दे रहे हो, गलत दे रहे हो, वो बड़ी दिक्कत है। तो यही हुआ है भाई, मैंने जो आप सबको बताई जाए, तो यहाँ पे यार जो वाईफाई वाली वीडियो थी कुछ भी गलत नहीं था, उस पर दे दी भाई इन लोगों ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अब हमारे पास यार चैनल पे पहले एक यार एक ये लोग ना एक वार्निंग स्ट्राइक देते हैं, वो वार्निंग स्ट्राइक बहुत पहले की आ रखी है, ठीक है। अब मेरे पास 3 ही थी, अब उसमें से एक इन लोगों ने दे दी, तो कल ही के आसपास ये चीज़ दे दी। उसके बाद ना मैं वीडियो डाल सकता था 7 दिन, और मैं फंस गया। मैंने सोचा यार कम्युनिटी पोस्ट वोस्ट डालते, 7 दिन का ब्रेक पे जाते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे यही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर अंत में भाई जब अपील करी, थोड़ा चैट करा, यस यार यूट्यूब टीम के साथ जब चैट वैट हुआ, थोड़ा यार इस चीज़ों पर क्लोज गए, तब उन्होंने यार इस चीज़ को रिजॉल्व कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर वही बात है ना भाई, स्टार्टिंग के हिसाब से ये चीज़ें बड़ी दिक्कत कर सकती है। चैट सपोर्ट यार स्टार्टिंग में नहीं मिलता जब तक मोनेटाइजेशन एनेबल करो नहीं, तो ये सब है। मैं यही बोलूँगा यार बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, पर एक चीज़ मेरे को क्लियरली समझ आ गई है भाई इस एक्सपीरियंस से, कि यूट्यूब पर यार बेसिकली आपको यार टाइटल थोड़ा क्लियर रखना है। अब मैंने टाइटल क्लियर रखा था, ऐसा भी कुछ नहीं था यार डायरेक्टली लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैकिंग या ऐसा कुछ बता रहा आदमी, नहीं वो सब कुछ भी नहीं था यार। तब भी पता नहीं इन लोगों ने इसकी तरफ क्यों मूव करा, क्यों उस पे गए। अब से यार मैंने सोचा बड़े सिंपल तरीके से रखेंगे और ऐसे टॉपिक को छेड़ेंगे नहीं। और मैं खुद भी यार इवन आप सबको बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी यार टेक में कुछ भी चीज़ बनाने जा रहे हो ना, तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो। कभी भी यार मूवीज़ हो गई, गेम्स हो गई, या पेड चीज़ें जितनी भी होती है ना, पेड सॉफ्टवेयर खास करके, कभी भी इसकी यार फ्री में मत बनाना। गेम्स और यार सॉफ्टवेयर का कभी मत बनाना, क्योंकि कंपनीज डायरेक्टली यार फ्यूचर में आपको स्पॉन्सर ये सब भी करती है, ये चीज़ें नोटिस कर लेती है, उस समय भी स्ट्राइक दे सकती है। तो ये सब चीज़ें रहती है, तो गाइडलाइन से बचने का यही टैक में सर यही सब होता है। बाकी हाँ, अब यार वो वीडियो को जब मैंने अपील करी तो इन लोगों ने सॉल्व कर दिया। मेरे को भी पता था सॉल्व तो हो ही जानी थी, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं भाई। रिव्यू जो ह्यूमन करते हैं ना, अंदर से एकदम बढ़िया से चेक करते हैं, पर हाँ इनका सिस्टम जो है ना उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत है भाई, वरना मेरे जो आज के 3-4 घंटे बर्बाद हुए इस सब चीज़ों में, आज आपको वीडियो नहीं दे पाया वो रहा। इवन आपको ये चीज़ बतानी पड़ रही है, चलो कुछ ना एक्सपीरियंस शेयर करा इसी बहाने, काफ़ी दिन हो गए थे कुछ बात बात भी नहीं हुई थी, एक बात तरीके से समझ सकते हो, ऐसा एक्सपीरियंस वापस ना हो तो अच्छा ही रहेगा। बाकी चलो यार आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हाँ यार अगर चैनल पर नए हो, टैक में इंटरेस्ट है, तब यार सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर में भी टेक्नोलॉजी साथ में PC ज़्यादा हम लोग यार कवर करते हैं। यहाँ कल से हमारे यार रेगुलर वीडियोस फिर से आएंगे, रेगुलर ही आ रही थी भाई, एक ही दिन का तो गैप हुआ, वो भी हमने इस वीडियो से कवर कर दिया, ठीक है ना। तो बस चलो यार इस वीडियो में इतने ही समाप्त करते हैं। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय यार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।